देश की राजनीति की बात हो और देश के राजनेताओं की बात हो, और मुझे लगता है कि इसमें अगर हम लोग अरविंद केजरीवाल को छोड़ दें तो इनके साथ ही नाइंसाफी होगी। अब आप लोगों के कई लोग इनके पक्ष में भी होंगे, कई लोग इनके विपक्ष में भी होंगे, लेकिन फिलहाल मेरा इतना ही कहना है कि देखिए, देश में कोई भी नेता दूध का धुला नहीं है। किसी में कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, तो ये सभी नेताओं में आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल इतना कह सकता हूं कि देश में और जितने नेता हैं उनसे एक अच्छा काम अरविंद केजरीवाल का मुझे लगा, एक बिजली और एक शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं। और आप देखिए कि देश में कोई भी व्यक्ति हो, अमीर हो गरीब हो, उसकी मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? शिक्षा, उसके बच्चों को शिक्षा मिलती रहे या स्वास्थ्य व्यवस्था मिलती रहे, समझ रहे हैं? और किसी देश को अगर आपको आगे ले जाना है तो यही मूलभूत आधार भी होते हैं, समझ रहे हैं? तो चलिए आज हम लोग अरविंद केजरीवाल के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। इनका शुरुआती जीवन किस तरह से रहा, एक आप सभी जानते हैं कि एक अधिकारी रहे हैं, और इनका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है उस पर भी बात कर लेंगे। और आपको मालूम है जो राइट टू इंफॉर्मेशन आप देखते हैं, सूचना का अधिकार, इसमें भी इनका योगदान है। मदर टेरेसा से भी काफी प्रभावित हुए हैं, उस पर भी बात कर लेंगे। एक नाम सुनते हैं आप, मनीष सिसोदिया। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में योगदान में, शिक्षा व्यवस्था में उनका नाम उभर के जरूर आता है और देश दुनिया में उनकी चर्चा भी चलती है, तो उन पे उनकी और उनकी दोस्ती की भी बात करेंगे, किस तरह से दोस्ती हुई। और अन्ना आंदोलन आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा, तो माना जाता है ऐसा कि अन्ना आंदोलन में मुख्य सिपाही कहिए या रणनीतिकार कहिए, अरविंद केजरीवाल की ही रणनीति थी। और आप सभी जानते हैं कि अन्ना आंदोलन की बदौलत ही है कि बीजेपी ने उसे भुंजाया और कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया और खुद सत्ता स्थापित की। और इन्हें मिले, अगर सम्मानों की बात करें, अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो सम्मान भी मिलते हैं, तो कौन कौन से सम्मान मिले हैं उस पर भी बात कर लेंगे। और इनसे जुड़े कुछ विवाद भी हैं, तो उस विवादों पर भी हम लोग देख लेंगे, और कुछ दिलचस्प बातें और भी हैं उन पर भी हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो अभी आप सभी जानते हैं कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। देखिए, ये आपको दिल्ली देखने को मिलेगा, एक तरफ आपको उत्तर प्रदेश और एक तरफ आपको हरियाणा। और आप सभी जानते हैं कि अच्छी खासी बहुमत से जीत कर आए हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और आप देखेंगे इनकी जो आम आदमी पार्टी है वो अब देश भर में फैल रही है, चाहे उत्तराखंड की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, पंजाब हरियाणा की बात कर लीजिए, गोवा की बात कर लीजिए, अब चुनाव लड़ने की भी बात होती रहती है, कई जगह ये चुनाव लड़ते भी रहते हैं। अगर आप लोग अरविंद केजरीवाल की बात करें तो ये आपको सामने एक पिक्चर भी दिख रही होगी, इनकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यही है अरविंद केजरीवाल। तो इनका नाम तो सभी आप लोग जानते हैं, अरविंद केजरीवाल। इनका जन्म होता है 16 अगस्त 1968 को। इनका जन्म होता है सिवानी, सिवानी हरियाणा में। आप हरियाणा देख सकते हैं, आप यह है इनका हरियाणा राज्य, तो यही इनका जन्म होता है। राजनीति में एक अच्छी बात होती है कि आप कहीं के भी निवासी हैं, आप कहीं से भी जाकर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप हरियाणा से हैं और दिल्ली में रह रहे हैं, या बिहार से हैं दिल्ली में रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं, आप दिल्ली से भी अपनी राजनीतिक सफर शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जनता के बीच आपको फैट बनानी है, जनता किस तरह से रिस्पॉन्स करती है आपके लिए याद रखिए। तो आप सभी जानते हैं इनका गृह नगर हरियाणा हो गया। इनकी माता बात करें तो ये गीता देवी के पुत्र हैं, पिता की बात करें तो गोविंद राम केजरीवाल इनके पिता, और पत्नी तो आप सभी जानते हैं सुनीता केजरीवाल, जो खुद आई आरएस अधिकारी भी है, ठीक है? तो
तो सुनीता और बेटे का नाम आप सभी जानते हैं पुलकित, और बेटी हर्षिता। ठीक है, अगर हम लोग अरविंद केजरीवाल के शिक्षा की बात करें तो काफी पढ़े लिखे भी हैं, और उनकी बातों से भी आप लोगों को लग जाता हो। कैंपस के स्कूल है हिसार हरियाणा से इन्होंने शुरुआती शिक्षा ली हुई है, और क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल सोनीपत हरियाणा से ये शुरुआती 10वीं 12वीं करते रहे। अगर हम लोग महाविद्यालय की बात करें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर पश्चिम बंगाल से इन्होंने शिक्षा ली हुई है, IIT है, समझ रहे हैं। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं, यहां से लगा सकते हैं कितने इंटेलिजेंट रहे होंगे। अगर हम लोग इनके शौक की बात करें तो पढ़ना, योग करना, विपासना करना इनका एक तरह से शौक है। योग तो आप सभी जानते होंगे, विपासना का मतलब होता है एक तरह से ध्यान मुद्रा, ध्यान में लीन हो जाना, समझ रहे हैं, उसी तरह से ये होता है। और समय समय पर आप देखते होंगे कि ये करते भी रहते हैं। ठीक है, मोबाइल हो और देश दुनिया की खबरें हो, टीवी न्यूज चैनल, सबसे दूर हो जाते हैं, एकांत में रहना। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग शुरुआती कैरियर की इनकी। तो साल 1989 में उन्होंने जमशेदपुर में टाटा स्टील कंपनी में अपनी पहली जॉब की। तो 1989 से इनकी यात्रा एक तरह से शुरू होती है। सबसे पहले आप देखेंगे कि 1989 में जमशेदपुर में टाटा स्टील कंपनी में नौकरी करते हैं, और टाटा स्टील कंपनी आप सभी लोग जानते होंगे। 1993 में उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास की और भारतीय राजस्व सेवा में शामिल हो गए हैं। आप में से भी कई लोग करते रहते होंगे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी, तो उसी की बात करें। 1983 बैच की IRS अधिकारी सुनीता से इन्होंने शादी की, जो भी पत्नी इनकी उन्हीं की बात कर रहा हूं। फिर आप देखेंगे कि 1999 में केजरीवाल ने बिजली, आयकर और खाद्य शासन से जुड़े मामलों में नागरिकों की सहायता करने के उद्देश्य से एक गैर सरकारी संगठन परिवर्तन की स्थापना की हुई थी। परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन लाना, बदलाव करना। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि सन 2006 में उन्होंने आयकर विभाग में संयुक्त आयुक्त के रूप में अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया और पुरस्कार राशि के साथ एक कोष बनाया जिसे पब्लिक कोच रिसर्च फाउंडेशन नामक एक गैर सरकारी संगठन की स्थापना की। और जब आप लोगों को पॉलिटिक्स में जाना होता है, राजनीति में जाते हैं, तो इस तरह के काम करते रहते हैं, इस तरह के कोई संगठन बनाते रहते हैं, तो इन्होंने भी वही किया। और सन 2012 में उन्होंने स्वराज नामक एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसमें भ्रष्टाचार और भारतीय लोकतंत्र की स्थिति पर उनके विचार उस पुस्तक में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं RTI पर क्या योगदान रहा है इनका, क्या काम किया है। तो आज जिस सूचना के अधिकार को नागरिक का सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है, उसका श्रेय भी अरविंद केजरीवाल को ही जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय और कई अन्य लोगों के साथ मिलकर अरविंद ने सूचना अधिकार अधिनियम के लिए अभियान शुरू किया, और कुछ सालों के संघर्ष के बाद उन्होंने इसमें सफलता भी मिली। दिल्ली में सूचना अधिकार अधिनियम को 2001 में पारित किया गया था, और अंत में राष्ट्रीय स्तर पर आपने देखा होगा कि भारतीय संसद ने 2005 में सूचना अधिकार अधिनियम RTI को पारित कर दिया था। साल 2006 में केजरीवाल ने लोगों में सूचना का अधिकार के इस्तेमाल करने को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया हुआ है। और आप देखिए कि ये सूचना के अधिकार की हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई है कि आप सूचना ले सकते हैं, और आप सोचिए कि अगर आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाए, इस तरह की जो आपको अधिकार मिले हुए हैं उनके प्रति जागरूक हो जाए, तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं उठानी पड़ेगी। आप देखते हैं कि आप अधिकारी हो या आप नेता, इनके आप पीछे फिरते हैं हाथ जोड़ के। और आप सोचिए अगर आप सूचना के अधिकार को अच्छे से समझ जाए, तो ये अधिकारी हो या नेता हो, आपके पीछे फिरेंगे, आपके सामने हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। मदर टेरेसा से इनकी मुलाकात होती है और इनकी जिंदगी बदल जाती है। मदर टेरेसा के बारे में भी आने वाले समय में हम लोग बात करेंगे, अगर आप लोग इतिहास पढ़ा होगा तो आप सभी को मालूम होगा। ये आप देख सकते हैं मदर टेरेसा हैं। इसी दौरान अरविंद केजरीवाल मदर टेरेसा की दयालुता और करुणा से इतना
अधिक प्रभावित हुए कि उनके साथ समाज सेवा करने की इच्छा लेकर कोलकाता चले गए। और इसके बाद मदर टेरेसा ने केजरीवाल को कोलकाता में स्थित कालीघाट आश्रम में जरूरतमंद गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए भेजा। और यहाँ उन्होंने करीब आप देखेंगे 2 महीने तक काम किया और यहाँ रह के कुछ सीखा और इससे उनकी सोच और व्यक्तित्व काफी असर पड़ा। वहीं अरविंद केजरीवाल मदर टेरेसा के साथ उनकी मुलाकात को उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बताते हैं। वहीं इसके बाद केजरीवाल ने क्रिश्चियन ब्रदर्स एसोसिएशन के साथ भी काम किया हुआ है। तो ये अरविंद केजरीवाल और मदर टेरेसा की मुलाकात की बात हो गई। अब बात करते हैं अच्छे साथी, बुरा वक्त हो किसी भी तरह का वो वक्त हो, एक आदमी टिका हुआ है अरविंद केजरीवाल के साथ। और कहते हैं कि देखिए दिल्ली सरकार में एक तरह से मुख्य भूमिका में अगर कोई है तो मनीष सिसोदिया है। मनीष आने वाले समय में हम लोग मनीष सिसोदिया के जीवन पर भी बात करेंगे, इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि ये मनीष सिसोदिया हैं और ये अरविंद केजरीवाल हैं। तो दिसंबर 1999 की बात है कि केजरीवाल की मुलाकात मनीष सिसोदिया से होती है। और इसी दौरान केजरीवाल मनीष सिसोदिया ने मिलकर परिवर्तन आंदोलन की शुरुआत की थी, बदलने की कुछ परिवर्तन को जन आंदोलन की संज्ञा दे दी गई, जिसका उद्देश्य लोगों को बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना। और आज आप देखिए कि देश भर में बिजली का मुद्दा उठने लगा है। आप देखिए, मुझे लगता है कि कभी ऐसा ना हो कि पूरे देश भर में बिजली फ्री हो जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जहां भी अरविंद केजरीवाल साहब जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, वहां बिजली फ्री के वादे कर देती है। तो आप देखिए दूसरी पार्टियों को भी इस तरह की बातें करनी पड़ती है। अच्छी बात है, जब नेताओं को इतनी सारी सुविधाएं फ्री में मिल सकती हैं तो जनता को मिल जाए, क्या फर्क पड़ता है। और इसी कड़ी में आप देखेंगे कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने साल 2005 में मध्यकालीन इतिहास के कवि कबीर दास के नाम पर कबीर नामक एक गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ की नींव रखी। आप भी तो देखते हैं कि एनजीओ आजकल तो आप देखिए कोने कोने में एनजीओ बने हुए हैं। तो ये आप देखेंगे कि अभी तक आपके अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं अन्ना की लड़ाई में क्या भूमिका रही है। ये आप देख ही रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल, ये अन्ना हजारे, ठीक है। और इस आंदोलन से आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल को काफी फायदा हुआ। आप सोचिए कि इतने जल्दी इतनी ऊंचाई मिलना राजनीति में बड़ा मुश्किल रहता है। आप समझ रहे हैं कि पहली बार में आप देखिए कि आप समझिए कि 28 सीटें मिल जाती हैं आप पार्टी को, बहुमत से थोड़ी ही दूर रहती है। आप देखिए दूसरी बार कितना बहुमत मिलता है, तीसरी बार, समझ रहे हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि 2011 में हुए जन लोकपाल आंदोलन अरविंद केजरीवाल की ही सोच थी। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे तो बस केवल मुखौटा थे। पूरे आंदोलन का संचालन केजरीवाल की देखरेख में हुआ और सितंबर 2010 में जब भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल बिल का मसौदा तैयार किया गया था, तब अरविंद केजरीवाल सोच लिया था कि लोगों को एक साथ जुटाएंगे। फिर उन्होंने आपने देखा कि अन्ना से संपर्क किया और जिसके बाद अन्ना 4 अप्रैल 2011 को अनशन पर बैठने के लिए तैयार हो गए। और केजरीवाल आंदोलन में शुरू होने से लेकर अंत तक एक एक प्रमुख सेनापति के रूप में काम करते रहे, आप सभी ने देखा होगा। और यही वजह रही कि आंदोलन के पहले अप्रैल और उसके बाद अगस्त 2011 में भारी सफलता भी मिली। तो अब इनकी जो भी शुरुआती यात्रा रही है राजनीति से पहले, उस पर हम लोगों ने बात कर ली। अब चलते हैं हम लोग इनके राजनीतिक सफर पर। तो आप सभी जानते हैं कि एक पॉलिटिशियन है और इनके दल का नाम है आम आदमी पार्टी, आप पार्टी, ठीक है। राजनीतिक यात्रा की बात करें, नवंबर 2012 में उन्होंने औपचारिक रूप से आम आदमी पार्टी का गठन किया। झाड़ू आप देखते हैं ना, वही है इनका चिन्ह। 2013 में उन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। 2013 में आप देखते हैं जो विधानसभा चुनाव होते हैं दिल्ली में, और आप देखेंगे इनमें इसमें ये चुनाव में विजयी भी होते हैं, जीतते भी हैं। 2013 की दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने 25,864 वोटों के अंतर से
शीला दीक्षित को पराजित किया, पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, ठीक है, शीला दीक्षित, उन्हीं की बात कर रहा हूं, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री। और आपको बता दूं कि पहली बार में देखिए आप लोग की एक मुख्यमंत्री को हराना बहुत बड़ी बात होती है। और आप देखेंगे इस चुनाव में 2013 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे इसमें 28 सीटें मिलती हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि 28 सीटें एक मेजोरिटी नहीं होती है सत्ता में आने के लिए। आप देखिए इतनी सीटें काफी नहीं है, और 70 सीटें हैं आप सभी जानते हैं, तो एक कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेते हैं। और 28 दिसंबर 2013 को वे दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन आप देखेंगे कुछ समय के बाद ये इस्तीफा दे देते हैं। और 2015 में आप देखते हैं दोबारा चुनाव होता है, लेकिन उससे पहले आप देखते हैं कि आपके लोकसभा चुनाव होते हैं 2014 में, और 25 मार्च 2014 को उन्होंने वाराणसी के निर्वाचन क्षेत्र से नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की, परंतु वह आप देखेंगे 3,70,000 मतों के अंतर से पराजित होते हैं, यानी कि हार का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की उस समय काफी लहर चल रही थी। आप देखिए कि 2019 का देख लीजिए या 2014 का लोकसभा चुनाव, ऐसे ऐसे लोग जीत कर आ गए जिन्हें वहां की जनता जानती नहीं थी, इसलिए जीत किया गया क्योंकि बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे थे, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि 14 फरवरी 2015 को वह दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं, और आप सभी जानते हैं कि 70 सीटों में से 67 सीटों पर विशाल बहुमत हासिल कर अपनी सरकार का गठन किया है इन्होंने, 2015 की बात कर रहा हूं। और आप सोचिए इतिहास में, देश के इतिहास में अभी की बात कर रहा हूं, वर्तमान राजनीति में इस तरह से बहुमत मुझे नहीं लगता है कि किसी को मिला होगा। फिर आप देखते हैं कि 2020 में भी आपके विधानसभा चुनाव होते हैं दिल्ली में, वह तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं, 70 में से आप देखेंगे 62 सीटें फिर से आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती है। मैंने तो देखी अपनी जिंदगी में अभी तक ऐसा कोई भी नेता नहीं सुना है जो खुल के कहता है कि अगर हमने काम किया हो तो ही मुझे वोट देना। पहला व्यक्ति ऐसा देखा है अरविंद केजरीवाल बोल रहा था, समझ रहे हैं आप लोग? आप तो देखिए देश में ऐसे ऐसे नेता देखने को मिलेंगे, बड़े फुसलाते रहते हैं जनता को, इस बार काम नहीं कर पाया अगली बार कर देंगे। लेकिन आप सोचिए देश इतिहास में, देश के इतिहास में आपको देखने को मिलेगा जो खुले मंच से कह रहा था कि मुझे वोट तभी देना जब मैंने काम किया हो, नहीं किया है तो मत देना वोट, ऐसे शब्द, मतलब आप सोचिए। और आप देखिए कि किस तरह से एड़ी चोटी की पूरी चोर लगाने के बाद सत्ता पक्ष के द्वारा इनका कुछ नहीं उखाड़ पाए, ये भारी बहुमत से चुनाव जीत कर आते हैं। आपने देखा होगा गृह मंत्री हो या बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, कैबिनेट मंत्री हो, सभी दिल्ली की गली गली में घूम रहे थे, लेकिन फिर भी आप देखिए आम आदमी पार्टी को चुनाव नहीं हरा सके। आगे अब बात करते हैं, पुरस्कार की बात कर लेते हैं, आगे किस तरह राजनीति रहती है एक तो आप लोग देखते रहेंगे, अच्छे काम करोगे तो पुरस्कार भी मिलेंगे। 2004 में उन्होंने सामाजिक सहभागिता के लिए अशोक फेलो अवार्ड से नवाजा गया था, किने, अरविंद केजरीवाल को। 2005 में IIT कानपुर सरकार पारदर्शिता में लाने के लिए सत्येंद्र दुबे मेमोरियल अवार्ड से भी नवाजा गया है। 2006 में आपने देखा होगा कि रेमन मैक्सेस अवार्ड से भी नवाजा गया था, 2006 की बात कराओ। 2009 में IIT खड़गपुर में ने उन्हें विशिष्ट छात्र नेतृत्व के रूप में अवार्ड दिया था। और केजरीवाल से आप सभी को बताया था कि विवाद भी काफी जुड़े रहे हैं, तो एक एक करके सभी विवादों को भी देख लेते हैं। अरविंद केजरीवाल ने जब राजनीति में कदम रखा वे विवादों के घेरे में तब आए, उनके ऊपर कई धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हुए, कई नेताओं ने इन पर मानहानि के मुकदमे भी चलाए थे। और इसीलिए आप देखते हैं कि शुरुआती राजनीति में इनकी बातें कुछ और थी, इनकी बातें फिर बदलना शुरू हुई। और मुझे लगता है कि देश की राजनीति के हिसाब से ये काम भी जरूरी था।
आप देखिए कि देश में किस तरह की राजनीति चलती है, उसमें कुछ तो आप लोगों को घुलना होगा, ठीक है। पूर्व गवर्नर आप देखते हैं नजीब, जंग से भी विवाद रहा है, और याद रखिए उपराज्यपाल से हमेशा दिल्ली सरकार में कोई भी सत्ता में रहे विवाद रहता है अपनी अपनी शक्तियों को लेकर। वैसे हकीकत में शक्ति होनी चाहिए मुख्यमंत्री के पास, क्योंकि मुख्यमंत्री जनता के प्रति जवाबदेह होता है, जनता उसे चुनती है, जनता उस पर भरोसा करती है। अगर वो काम नहीं करेगा तो उसे जवाब किसे देना होगा? मुख्यमंत्री को, राज्यपालों को या उपराज्यपाल को कभी जवाब नहीं देना पड़ता है, ठीक है। तो 2015 में अरविंद केजरीवाल ने नजीब जंग पर आरोप लगाया कि वे केंद्र सरकार के कहने के मुताबिक काम कर रहे हैं, विशेष करके अफसरों के तबादले विशेषकर। और अभी अभी आप देख रहे हैं कि चलता रहता है विवाद, टीवी एड का विवाद। अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रचार के लिए टीवी एड निकाला था जिसमें वो परेशान करते रहे, हम काम करते रहे पंक्ति दी थी। तो इस तरह का भी अरविंद केजरीवाल मतलब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो आप सोचिए एक पढ़ा लिखा व्यक्ति किस तरह की राजनीति करता है। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव इनके काफी सहयोगी भी रहे हैं। आम आदमी पार्टी बनने के समय आप देखेंगे दोनों का भी योगदान था, बाद में इनके और अरविंद के बीच काफी रिश्ते खराब हुए। एक वीडियो में अरविंद इन दोनों को गालियां देते नजर आए, तो इस तरह का भी विवाद रहा है। लेकिन इनका मुझे लगता है कि ज्यादा कुछ विवाद नहीं है, विवाद है लेकिन सभी ये मतलब आपसे नकली डिग्री। अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप लगा कि उन्होंने कई ऐसे लोगों की को अपनी पार्टी से टिकट दिया जिनके पास फर्जी डिग्रियां हैं। इस तरह के तो आप देखिए हर पार्टी में विवाद खड़े रहते हैं। वन मैन पार्टी, अरविंद पर अक्सर पार्टी के लोग ये आरोप लगाते हैं कि अरविंद पार्टी को किसी लोकतांत्रिक तरीके के बिना अपनी मर्जी से चलाते हैं, उनमें घमंड भी है ये कहते हैं लोग। और आप देखिए लोग कितना कहते हैं, ये तो लोग ही जाने। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, इस वजह से अक्सर अरविंद केजरीवाल और दिल्ली पुलिस के बीच तनाव का माहौल बना रहता है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहा था। और एक बात आपको बता दूं, बाकी आप राज्यों में देखिए, राज्यों में दिल्ली जो पुलिस व्यवस्था होती है ये राज्य के अंडर में आती है, लेकिन दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए दिल्ली पुलिस आपकी केंद्र सरकार के अंडर में काम करती है, ठीक है। बिजली बिल की अधिकता, और इनके मुख्यमंत्री रहते मुख्यमंत्री निवास में बिजली बिल 1 लाख रुपए आया था, और इस पर विपक्ष ने कहा कि लोग वे लोगों के पैसे से अपना सुख भोग रहे हैं। उनके निवास पर 25-35 AC और कई कूलर होने की बात सामने आई, तो ये भी विवाद, विपक्ष का काम है विवाद करना। कुछ इनके बारे में दिलचस्प बातें भी, इन्हें भी देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल को हिंदी फिल्म देखनी बेहद पसंद है, और वो आमिर खान के अभिनय के बहुत प्रशंसक भी हैं, और उनकी लगभग हर फिल्म देखते हैं। अरविंद केजरीवाल ने IIT की परीक्षा पहली बार में ही निकाली थी, और इन्होंने सिविल सर्वे सर्विस की परीक्षा भी एक बार में ही निकाली थी। अपने कॉलेज के दौरान इन्होंने राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं ली, और बल्कि ये थिएटर के रूम में रुचि रखते थे। अरविंद केजरीवाल ने 1989 में IIT खड़गपुर की छोड़ी, और इसी वर्ष गूगल के तत्कालीन CEO ने इस संस्था में पढ़ने के लिए अपना नामांकन कराया था, तो ये भी अच्छी बात है। IRF अफसर होने के दिनों में इन्होंने चपरासी की सेवा नहीं ली, पर ये प्रतिदिन अपना डेस्क खुद साफ करते थे, तो ये भी अच्छी बात है कि अपना काम स्वयं करना चाहिए, ये तो गांधी जी भी कहते थे। इनको और इनकी पत्नी की मुलाकात नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में वर्ष 1994 में हुई थी, और आप सभी जानते हैं कि इनकी सुनीता से शादी भी हुई, वही है, ठीक है। तो ये कहानी है अरविंद केजरीवाल की अभी तक की, आगे क्या बदलता है, क्या होता है, किस तरह की राजनीति रहती है, कितने राजनीति में सफल योद्धा बनते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, ठीक है। और आप लोग अपडेट होते रहा करिएगा।